हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा कोई समीकरण दिया रहता है जो हमारा पूर्ण रूप से पूरी तरह से एक वर्ग के रूप में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उसमें हमारा कुछ त्रुटि जरूर होता है। तो उसमें क्या त्रुटि होती है, उसमें क्या हमको जोड़ना पड़ता है, क्या घटाना पड़ता है, कैसे हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब हमारा जाकर एक पूर्ण वर्ग तैयार होता है। तो ये सब कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं इसके बाद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बातें जरूर जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये हमारा फार्मूला होता है। और इस प्रकार से देखते हैं हमें कि ये हमारा जो समीकरण है ये इस प्रकार से इसको दर्शाती है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये जो दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ये है। और ये इस तरह से हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इसको दर्शाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये पूर्ण रूप से एक प्रकार से वर्ग को सिद्ध कर पाएगा, नहीं, इसमें कुछ त्रुटि है। ये इसमें किस प्रकार की त्रुटि है, इसको हम कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसका और इसका कंपेयर करते हैं, ये ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा कोई भी समीकरण एग्जाम में दिया रहेगा तो पहला मान हमारा वर्ग के रूप में अवश्य रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की और तीसरे की। तो फ्रेंड्स, दूसरा समीकरण हमारा इस तरह से ये दोनों मैच करते हैं और इस तरह से हमारा ये मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये बात देना है। अब देखिए यहाँ पे सात यक्स है, यानी यक्स का यानी पहले चर राशि का इसमें गुणांक है और इसमें भी ए का इसमें गुणांक है, यानी कि इसको यानी ये सिद्ध करता है। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे लास्ट की पॉइंट है, हम ये देखते हैं क्या ये एक प्रकार का वर्ग के रूप में है, तो बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रकार का वर्ग के रूप में नहीं है। तो फ्रेंड्स, यानी कि हमको दो पॉइंट ध्यान देना है, ये देना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक प्रकार से वर्ग के रूप में नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा वर्ग के रूप में अगर यहाँ पे 9, 12 की जगह 9 दे दिया होता तो हम क्या 3 का वर्ग लिख देते, बिल्कुल लिख देते। अगर 16 दे देता तो 4 का वर्ग हम बना देते, यानी बी स्क्वायर को सिद्ध कर देता। लेकिन एक पॉइंट और भी ध्यान देने लिए ये बात है, वर्ग के रूप में रहे और यहाँ पर माइनस लगा रहे तो हमारा बी स्क्वायर को सिद्ध बिल्कुल नहीं करेगा। जी हाँ, वर्ग के रूप में भले से रहे लेकिन अगर माइनस लगा है यानी ऋण का चिन्ह लगा है तो बी स्क्वायर को सिद्ध बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा है अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर के पहले प्लस का चिन्ह है नहीं है तो इस तरह से सॉरी प्लस चिन्ह है ना, तो यहाँ पे हमारा भी प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पे वर्ग के रूप में होता माइनस रहता तो यानी कि ये बी स्क्वायर को सिद्ध नहीं करता। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे ये क्वेश्चन दे दिया हो और इसको हमको सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट में हमारा ये किसी प्रकार का वर्ग के रूप में नहीं है। अगर वर्ग के रूप में ना हो तो हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले हम केवल दो पॉइंट को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो पॉइंट को लेने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब वर्ग के रूप में ना हो तो अब यहाँ आप देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 7x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7x को हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बटे लिख देंगे 2 गुणी। ठीक है, 2 लिख देंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहले का जो चर राशि है यानी पहले का जो मान है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सबका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मैंने किया क्या, अगर हमारा वर्ग के रूप में नहीं मिलता है यानी कि एक प्रकार से बी स्क्वायर के रूप में अगर एक प्रकार से वर्ग के रूप में नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, दो पद के मान को ले लेते हैं और उसके बाद करेंगे क्या, हम दूसरे वाले मान को यानी कि 2ab की जगह इसको सिद्ध करता है, यानी 2ab की जगह हमारा क्या है, 7x है, तो हम 7x लिख देंगे, उसके बाद सबके
बटे दो गुणे पहले का मान जो होता है यक्स, यक्स लिख देंगे उसके बाद होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं यक्स यक्स कट जाता है और क्या बचता है हमारा, सात बटे दो का होल स्क्वायर। अब यही हमारा जो फ्रेंड्स मान आया है इसमें हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार घटाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस 12, यानी कि ये पूरे पहले मान लिख लिया हमने। मैंने क्या किया, एक बार हमको क्या किया, सात बटे दो का होल स्क्वायर एक बार हमने प्लस किया और एक बार हमने क्या किया, माइनस किया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार प्लस में होल स्क्वायर है, एक बार माइनस में होल स्क्वायर, चाहे तो हम इसको काट देते हैं, फिर हमारा वही मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, एक प्रकार से वर्ग के रूप में बनाना है। अब हम देखते क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सब में प्लस है, तो यानी कि इस वाले मान को हम इसमें लेंगे। यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस, अब देखिए ये एक प्रकार से बी स्क्वायर को सिद्ध करता है, यानी कि यहाँ पे वर्ग के रूप में है और बी में भी क्या है, एक प्रकार का वर्ग के रूप में है, यानी इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, सात बटे दो का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब जो हमारा बचा है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं इसी प्रकार। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यानी हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इतने मान का हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह, यानी ए का ए की जगह एक्स है, बी की जगह सात बटे दो है, उसका होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे हम जानेंगे क्या ये सात एक्स हमारा टू ए बी को सिद्ध करता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं टू ए बी की जगह। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टू लिखते हैं, ए का मान क्या है हमारा एक्स है, बी की जगह मान सात बटा दो है, तो दो दो कट जाएगा, यानी हमारा क्या जाएगा सात एक्स, यानी कि इस प्रकार से हमारा ये सही है। अब देखते हैं क्या बचता है हमारा, माइनस सात बटे दो का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस, तो सात सत्ता उनचास बटे दो दूनी चार, फिर प्लस 12। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप देख लेते हैं एक्स प्लस सात बटे दो का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमारा उनचास से उनचास, बारह चौक अड़तालीस प्लस अड़तालीस बटा चार, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं एक्स प्लस सात बटा दो का ये होल स्क्वायर माइनस, उनचास में से अड़तालीस गया माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा चार। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस सात बटे दो का होल स्क्वायर माइनस वन अपान टू का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वन अपान फोर था, तो चार को हम क्या कर दिए, दो का इसको वर्ग के रूप में दिया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है इसका आपका फार्मूला याद होगा, ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, हर समान है तो ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आठ बट्टे दो, यानी आठ बट्टे चार, तो हमारे सॉरी आठ बट्टे दो हो जाएगा, तो यानी कि दो चौका आठ, हमारा एक्स प्लस फोर हो जाएगा और इसका एक्स प्लस थ्री, यानी कि क्या हो जाएगा, सात में से एक जाएगा कितना बजेगा छः, और छः में से छः बटा दो को हम काट देंगे कितना जाएगा तीन, यानी कि इस तरह से हमारा ये मान सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस आठ सौ निन्यानवे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है आठ सौ निन्यानवे। अब हम लोग ये सोचते हैं क्या ये एक प्रकार से वर्ग के रूप में बन जाएगा, तो फ्रेंड्स आप लोग को कुछ नहीं सोचना है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा है, तो जाहिर सी बात है अगर वर्ग एक प्रकार से बन भी जाता है तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा है, तो ये एक प्रकार से बी स्क्वायर को सिद्ध नहीं करेगा। तो हम लोग अब ये समझ लेते हैं कि ये एक प्रकार से बी स्क्वायर नहीं है, तो जब बी स्क्वायर के रूप में न हो तो केवल हम दो पद लेंगे, और जब दो पद लेंगे तो यानी कि हम क्या करेंगे, टू ए बी की जगह, यानी टू ए बी को क्या दर्शाता है, टू एक्स दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है टू एक्स को सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पहले वाले पद का मान लिखते हैं, पहले दो लिख देते हैं, उसके बाद पहले वाले चर का मान लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, तो इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टू एक्स ऊपर है, टू एक्स नीचे, यानी कट जाएगा, कुल हमारा क्या आ जाएगा, एक का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, आप देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस टू एक्स माइनस
899, फिर एक बार प्लस में इसको हम जोड़ेंगे, एक बार माइनस में हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक बार हमने प्लस करके इसको हम क्या करेंगे जोड़ दिया, एक बार माइनस करके इसको जोड़ दिया। अब देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, हमने बताया कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बनाने के लिए प्लस वाले को पास में लेते हैं, माइनस वाले को नहीं लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी सब प्लस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यानी ये ए स्क्वायर को सिद्ध करता है और ये बी स्क्वायर को, यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स, यानी इतना हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का समीकरण, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इतने का मान क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बचता है हमारा, माइनस 1 बचता है, फिर माइनस 899 बचता है। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 900 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा हमारा, 30 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x का पावर 4 है, तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसका होल स्क्वायर यानी एक प्रकार से बी को सिद्ध करता है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यानी एक प्रकार से बी को सिद्ध करता है, यानी ये ए को सिद्ध करता है और ये बी को सिद्ध करता है, यानी इसमें क्या नहीं है, हमको 2ab की जगह हमारा कोई भी मान नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, 2ab अगर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2। ठीक है फ्रेंड्स, फिर गुड़े, फिर क्या करते हैं, पहले का गुड़ा, यानी पहले में क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर गुड़े बी का, यानी बी में क्या है हमारा, 2, यानी कि 2 × 4x2। अब हमारा जो मान यही आया है, इसमें क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी कि बी में क्या था, जब बी नहीं मिलता था तो यानी 2ab के जगह जो मान था उसको लिखते थे, बटे 2 गुड़े पहले का मान लिखते थे और उसके होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, हमारा बी स्क्वायर के रूप में है, लेकिन 2ab के जगह पर नहीं है। अगर बी स्क्वायर के जगह पर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर गुड़े, यानी पहले का मान एक्स स्क्वायर, गुड़े दूसरी बी का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे 4x2। अब इसी को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार घटाएंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 4x2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये मैंने बताया ए है, एक प्रकार से ए स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे 2ab की जगह, यानी क्या हो गया, ये a की जगह, बी स्क्वायर की जगह और 2ab की, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करता है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह a हो गया ए स्क्वायर, और फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस तरह से क्या करता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर को सिद्ध करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 4x2 यानी कि 2ab की जगह कैसे आएगा मान, देखें ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर, मैंने यही लिखा है 2ab की जगह, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 × 4, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुड़े एक्स स्क्वायर गुड़े 2 यानी एक्स पावर 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 2 × 4x2, तो यही तो मान आया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या बचता है, −4x2। तो फ्रेंड्स, माइनस जो 4 है इसको हम 2 का और x का इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि केवल x पे जो स्क्वायर था हम इसको 2 के लिख के दोनों पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिद्ध करता है, तो वही सेम प्रोसेस, एक कोष्टक में ए प्लस बी
और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 153, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हमारा है लास्ट का है 153, क्या ये बी स्क्वायर को सिद्ध करता है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये एक प्रकार से बी स्क्वायर को सिद्ध नहीं करता। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले केवल दो पॉइंट लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है 2ab की जगह 26x है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं 26x लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसके नीचे दो फिर गुणे, यानी कि पहले का मान क्या है एक्स है, तो इसको हम लिख के होल स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर देते हैं और 13 हमारा आ जाता है। ठीक है, 13 दूना 26, यानी कि 13 का वर्ग। तो फ्रेंड्स 13 का हमारा वर्ग आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इसी को हमको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153 फिर प्लस 13 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 13 का होल स्क्वायर। यानी मैंने क्या किया, एक बार 13 को जोड़ा और एक बार 13 को घटाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। तो यानी ये एक प्रकार से बी स्क्वायर को सिद्ध करने लगेगा और यहाँ पे एक प्रकार से प्लस भी है। तो सबसे पहले हम इसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यानी इसको इस साइड लेकर आते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इसके पास लेकर आया और यहाँ पे हमारा क्या बचता है माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस 153। यानी मैंने क्या किया, मान को आगे पीछे कर लिया एक प्रकार से वर्ग के रूप में बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार से वर्ग के रूप में सिद्ध करेगा। अब देखिए ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह 13 स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो यानी एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। 13 में 169 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 153। अब देखिए एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर फिर माइनस, इसको हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 639 और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो फ्रेंड्स इसको हम आगे दिख लेते हैं, एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर फिर माइनस, इसको हम क्या करते हैं 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिद्ध करेगा, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी 13 4 17, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 17 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा घट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 9। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके मान को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर 3x स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे 4 है, हम क्या कर सकते हैं इसका 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए स्क्वायर को सिद्ध करता है और यहाँ पे इसको बी स्क्वायर को सिद्ध करता है और यहाँ पे प्लस, यानी कि एक प्रकार से बी स्क्वायर है। तो मैंने बताया अगर ए स्क्वायर भी हो बी स्क्वायर हो, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे ये 2ab को सिद्ध नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2ab में क्या आता है, 2 फिर गुणे पहले का गुणांक और दूसरे गुणांक, यानी 3 दूनी 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही है, यानी ये 2ab सिद्ध नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यानी कि 2ab हमको नहीं मालूम, तो 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 2 फिर गुणे, यानी ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो, दोनों हो, तो हमको 2ab बनाने के लिए 2 गुणे पहले का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर फिर बी का मान, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और 2 दूनी 4x स्क्वायर, यानी हमारा क्या आ गया मान 4x स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। अब ये 2ab को सिद्ध करता है, क्यों, क्योंकि पहले 2 गुणे पहले का गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर है और फिर बी का गुणांक, यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर, यानी ये 2ab को सिद्ध करता है। यानी कि सबसे पहले तब हम क्या करते हैं, इसके मान को इस साइड लेकर चले आते हैं, यानी कि थोड़ा सा मान को हम आगे पीछे कर सकते हैं,
चार एक्स स्क्वायर, इसको मान को हम यहाँ ला देते हैं और यहाँ पे फिर माइनस चार एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मान को हम आगे पीछे कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो है ए प्लस बी स्क्वायर की जगह को सिद्ध करता है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मान हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के रूप में सिद्ध करता है। अब ध्यान दीजिए, फिर माइनस क्या बचा चार स्क्वायर और फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो हमारा घटेगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस दोनों को हम घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक प्रकार का फार्मूला है, तो हम क्या करते हैं इसको फार्मूले, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है नौ एक्स स्क्वायर माइनस तीस एक्स माइनस एक सौ चवालीस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नौ एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं तीन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस तीस एक्स और फिर माइनस एक सौ चवालीस। लेकिन फ्रेंड्स अब ध्यान देने वाली थोड़ा सा बात यह है कि एक सौ चवालीस को हम बारह का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा इसलिए ये बी स्क्वायर को सिद्ध नहीं करता। अगर बी स्क्वायर नहीं हो तो क्या करते हैं, मैंने बताया केवल दो मान को लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या है टू ए बी की जगह तीस एक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तीस एक्स बटे दो गुणे पहले का मान क्या है तीन एक्स स्क्वायर है, सॉरी तीन एक्स, तो तीन एक्स लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर, तो एक्स एक्स कट जाएगा और तीन दहा में तीस और दो पच्चे दस, यानी हमारा क्या बचता है पाँच का होल स्क्वायर, यानी कि इसी को हम पाँच का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो तीन एक्स का होल स्क्वायर माइनस तीस एक्स माइनस एक सौ चवालीस फिर प्लस, यानी इसको एक बार हम जोड़ेंगे और इसको एक बार हम क्या करते हैं घटाएंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये ए स्क्वायर की जगह हो गया और यहाँ पे ये हो गया बी स्क्वायर की जगह हो गया और यहाँ पे हमारा ये हो गया टू ए बी की जगह। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर फिर माइनस तीस एक्स फिर प्लस फाइव का होल स्क्वायर फिर माइनस एक सौ चवालीस फिर माइनस पाँच का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी टू ए बी की जगह माइनस में लगा है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर की ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए माइनस एक सौ चवालीस से माइनस एक सौ चवालीस फिर पाँच पचास पच्चीस। ठीक है, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा हमारा चार दो छः और पाँच चार नौ एक सौ उनहत्तर। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, ये तेरह का वर्ग हो जाएगा और मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, सॉल्व कर सकते हैं सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए के पावर फोर प्लस चौंसठ बी के पावर फोर। तो फ्रेंड्स इसको हम बना लेते हैं ए का होल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका इसको हम क्या कर सकते हैं आठ अठानी चौंसठ, यानी आठ बी के पावर आठ बी सॉरी आठ बी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम अब ये देखते हैं ये ए स्क्वायर हमारा है ये बी स्क्वायर, यानी इसमें टू ए बी नहीं है, तो टू ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे दो गुणे पहले का गुणांक क्या है ए स्क्वायर और बी का गुणांक क्या है आठ बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स,
आठ दूनी 16, तो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान लेते हैं, इसको हमको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो यानी ए स्क्वायर होल स्क्वायर 8 बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर और ये 2ab की जगह, यानी ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक प्रकार से फार्मूला बन रहा है। तो a की जगह हमारा ए स्क्वायर हो गया और b की जगह हमारा क्या हो जाएगा 8b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4ab का होल स्क्वायर। अब ये देखिए एक प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिद्ध करता है, यानी कि ये फार्मूला है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 56, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या हमारा बी स्क्वायर सिद्ध करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वर्ग बनता भी तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये बी स्क्वायर को सिद्ध नहीं करेगा। जब बी स्क्वायर को सिद्ध नहीं करेगा यानी कि 2ab की जगह हमारा क्या है 26x, तो 26x लिख लेते हैं और बटे 2 गुणे, यानी 2 ऑलरेडी हम पहले से लिख लेते हैं और इसके बाद पहले का हमारा क्या मान एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर एक्स कट गया और यहाँ पे हमारा क्या जाता है 13, यानी 13 का वर्ग है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार 13 का वर्ग को जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 56 फिर प्लस 13 का मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab की जगह हो गया और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह सिद्ध करता है, यानी इसके मान को इधर ला देते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 13 का होल स्क्वायर माइनस 56 और फिर माइनस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस 2ab, यानी यहाँ पे माइनस लगा, यानी 2ab की जगह माइनस लगा है, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करता है। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 56 है और 13 हमें 169 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 9 6 15 और 6 5 11 और 9 6 15 6 5 11 1 12 और 1 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 किसका वर्ग है हमारा 15 का, 15 में 225। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिद्ध करता है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा प्लस 2 फिर माइनस, हमारे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया, यानी कि हमने क्या जाना, अगर हमारा पूर्ण वर्ग में रूप में बनाना है तो सबसे पहले लास्ट को ये देखेंगे कि हमारा बी स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे फिर गुणे पहले का मान लिख देंगे और फिर लास्ट का मान यानी बी स्क्वायर का मान, तो यही हमारा एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर बी स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे 2ab की जगह हमारा क्या होता है, जो हमारा 2ab की जगह मिलता है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बटे 2 गुणे पहले का मान को लिख कर होल स्क्वायर करते हैं, जो हमारा मान आता है उसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं और घटाते हैं, उसके बाद हम एक प्रकार से आगे पीछे करके मान को बनाकर एक वर्ग बनाकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं एक प्रकार से पूर्ण वर्ग बना लेते हैं।